गिवन माइनस टू बाई सेवन एक्स माइनस सेवन बाई टू आर इन जीपी विच इंप्लाइज, तो जीपी में क्या होता है टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू टी थ्री अपॉन टी टू, तो विच इंप्लाइज एक्स अपॉन माइनस टू बाई सेवन इज इक्वल टू माइनस सेवन बाई टू अपॉन एक्स विच इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेवन बाई टू इंटू माइनस टू बाई सेवन दैट इज वन विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन Now, some additional questions. Additional problems. First is the fifth term of a GP. Is 1/3 and the ninth term is 16/243. Find the fourth term. So this is on my notes. This is example 3 on page 10. Solution. इसमें given है fifth term of the GP is 1/3 and the ninth term is this much. पहले suppose करेंगे let A be the first term and R the let A be the first term and R the common ratio of the R the common ratio of the GP given T5 is equal to 1/3 and T9 is equal to 16/243. Now this implies T5 ARD 5 minus 1 is equal to 1/3 which implies ARS per 4 is equal to 1/3 and T9 is AR is per 9 minus 1 16/243 and this gives AR is per 8 is equal to 16/253. Now dividing these two equations, dividing second by first, this is
फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. ए आर इज पर 8, ए आर इज पर 8 अपॉन ए आर इज पर 4. 16 अपॉन 243, इसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3 अपॉन, दिस बिकम्स 3/1, विच इम्प्लाइज ए कैंसल विद ए. आर दी 8 अपॉन आर दी 4, दिस बिकम्स आर दी 4 इज इक्वल टू, तो दिस कैंसल्स विद 3, इट बिकम्स 81. 16 अपॉन 81 विच इज 2/3 रेज टू पावर 4. तो हियर पावर्स आर इक्वल, तो बेसिस आर ऑल्सो इक्वल, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 2/3. पुट इन फर्स्ट, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो, क्वेश्चन 1 में पुट करोगे इट बिकम्स ए 2/3 रेज पर 4 इज इक्वल टू 1/3, विच इम्प्लाइज ए इंटू 2/3 4 इज 16 अपॉन 81 इज इक्वल टू 16 अपॉन 81 इज इक्वल टू 1/3, विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1/3 81 अपॉन 16, दिस कैंसल्स 27, ए कम्स आउट 27 अपॉन 16. तो वी वांट टू फाइंड द फोर्थ टर्म, बट इज टी एन ए आर रेस पर एन माइनस 1, बट इज टी 4 ए आर रेस टू पावर 4 माइनस 1. पुट वैल्यूज ऑफ ए 27/16 इंटू आर, आर इज 2/3 रेज टू दी पावर 4 माइनस 1, दैट इज 3. 27/16 इंटू 2 क्यूब इज 8 एंड 3 क्यूब इज 27. 27 कैंसल विथ 27, 8 कैंसल्स विथ 16, 2, दैट इज 1/2. तो फोर्थ टर्म इज 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एग्जाम्पल 5 फ्रॉम पेज 10. दिस इज इफ एक्स वाई जेड बी रिस्पेक्टिवली द पीएथ क्यूएथ एंड आरएफ टर्म्स ऑफ जीपी, प्रूव दैट एक्स रेज टू द पावर q माइनस r, y रेज टू द पावर r माइनस p इंटू z रेज टू द पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1. ऑल्सो शो दैट q माइनस r, q माइनस r log x प्लस आर माइनस पी लॉग वाई प्लस पी माइनस क्यू लॉग जेड इज इक्वल टू 0. इसमें भी क्या है, आर इज गिवन इन द क्वेश्चन, आर इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो वी डोंट सपोज स्मॉल आर एज द कॉमन रेशियो. तो लेट कैपिटल ए be the first term and capital R
कॉमन रेशियो ऑफ जीपी. देयरफॉर गिवन पीएट टर्म इज एक्स, टीपी इज इक्वल टू एक्स इंप्लाइज ए आर रेस्ट पर पी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स. दिस इक्वेशन नंबर वन. टी क्यू इज इक्वल टू वाई इंप्लाइज ए आर रेस्ट टू द पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू वाई. दिस इक्वेशन नंबर टू. एंड टी आर इज इक्वल टू जेड. दिस इंप्लाइज ए आर रेस्ट टू द पावर आर माइनस वन इज इक्वल टू जेड. दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स रेस पर क्यू माइनस आर, वाई रेस पर आर माइनस पी, जेड रेस पर पी माइनस क्यू. टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड. नाउ एक्स रेस टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई रेस पर पी आर माइनस पी इंटू जेड रेस पर पी माइनस क्यू. दिस इज इक्वल टू पुट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड. ए आर रेस पर पी माइनस वन होल रेस टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू ए आर रेस टू द पावर क्यू माइनस वन होल रेस टू द पावर आर माइनस पी इंटू ए आर रेस टू द पावर आर माइनस वन होल रेस टू द पावर पी माइनस टू. दिस इज इक्वल टू, नाउ सेपरेट दिस, दिस इज ए डी पावर क्यू माइनस आर इंटू आर रेस टू द पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर. इंटू ए रेस टू द पावर आर माइनस पी इंटू आर रेस टू द पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू ए रेस टू द पावर पी माइनस क्यू इंटू आर रेस टू द पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस वन. दिस इज इक्वल टू, ठीक है. तो पीए टर्म एक्स थी, क्यू टर्म वाई, आर टर्म जेड. पीए टर्म होगी ए आर एस पर पी माइनस वन, क्यू टर्म होगी ए आर एस पर क्यू माइनस वन, आर टर्म होगी आर एस पावर स्मॉल आर माइनस वन इज इक्वल टू जेड. और जो हमने प्रूव करना है दिस, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं. इस होल की पावर है, पावर को अलग अलग कर दो, ए की पावर क्यू माइनस आर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर सोन. नाउ जो एज है, इस एज एज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है. एज अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, तो उनकी पावर्स एड हो जाएंगी. दैट इज ए रेज पर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ऐसे मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू पावर. आर की पावर्स भी क्या हो जाएंगी, एड. तो ये ब्रैकेट्स को ओपन करो, पी इंटू क्यू पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ऐसे प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, उसके बाद ये वाला प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू. यू विल सी दिस क्यू विल कैंसिल विद क्यू, पी विद पी, आर विद आर, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू विद प्लस क्यू प्लस आर विद माइनस आर प्लस क्यू आर विद माइनस क्यू आर, सारे कैंसिल हो जाएंगे. ए की पावर जीरो, आर की पावर जीरो, विच इज वन इंटू वन इज इक्वल टू वन. तो हेंस प्रूव. दिस वाज
एक्स रेज पर क्यू माइनस आर, वाई रेज पर आर माइनस पी, जेड रेज टू ई पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू वन. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा दो. लॉग लगाओगे तो यह जगह लॉग एक्स रेज पर क्यू माइनस आर, वाई रेज पर आर माइनस पी, जेड रेज पर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू लॉग वन. नाउ दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री क्वांटिटीज. तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होगा, लॉग एक्स रेज पर क्यू माइनस आर, लॉग में जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है वो प्लस सम में चेंज हो जाती है. लॉग वाई रेज पर आर माइनस पी प्लस लॉग जेड रेज टू दी पावर पी माइनस क्यू एंड लॉग वन इज जीरो. नाउ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये जो पावर्स है लॉग में पावर क्या होती है आगे आ जाती है, दैट इज क्यू माइनस आर लॉग एक्स प्लस आर माइनस पी लॉग वाई प्लस पी माइनस क्यू लॉग जेड. हेंस द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड. Another question, example 6, also on page 10. If ABC are in AP, small a, small b, small c are in AP, prove that x raised per a, x raised per b, x raised per c are in GP. Solution: given a, b, c are in AP, therefore their common difference second term minus first term is equal to third minus 7, that is b minus a is equal to c minus b, which implies x raised to the power b minus a is equal to x raised power c minus b. तो b आप ये दोनों equal है तो एक common base लगा दिया, वो भी क्या होंगे equal होंगे, which implies x raised power b upon x raised power a is equal to x raised power c upon x raised power b. What is this? This is the common ratio of second term upon first term, third term upon second term, which implies x raised per a, x raised per b, x raised per c are in GP, which was to be proved. Let us take another example, example 7, this is page 11. If log x to the base a, log y to the base a, log z to the base a are in AP, prove that x, y, z are in GP. To have given log x to the base a, log x to the base b, log x to the base c are in AP. Sorry, all are base a. Log x to the base a, log y to the base a and log z to the base a are in AP, which implies log y to the base a minus log x to the base a is equal to log z to the base a minus log
वाई टू द बेस है, विच इंप्लाइज माइनस हो रहे हैं तो क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, डिवाइड लॉग एक्स अपॉन लॉग लॉग वाई अपॉन एक्स टू द बेस ए, वाई अपॉन एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग जेड अपॉन वाई टू द बेस ए. नाउ रिमूविंग लॉग, रिमूविंग लॉग और टेकिंग एंटी लॉग एक ही बात है, विच इंप्लाइज वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई विच इज द कॉमन रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड विच इंप्लाइज which implies x y z are in GP. This was our lecture on general term of a GP. So if you like it, subscribe me and share with others. Thank you.